अयोध्या के सभी विद्यालय में शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया और अपने अध्यापक को उपहार देकर आशीर्वाद दिया। बच्चों ने कहा कि गुरु बिना सब कुछ अधूरा, गुरु ही माता गुरु ही पिता जो हमें अच्छाई और सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर फैजाबाद पब्लिक स्कूल में ही जे सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी की प्रतिमा पर पुष्प जलि अर्पित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों के बीच शिक्षक दिवस के मौके पर प्रबंधक उमर मुस्तफा खान ने शिक्षकों के योगदान के लिए राष्ट्र के निर्माण में लगभग उनके त्याग और परिश्रम के लिए बधाई। स्कूल से बोल रही हूँ और एज अ प्रिंसिपल, और हमारे यहाँ आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बच्चों ने शिक्षक दिवस मनाया और समस्त देशवासियों को हमारी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत ढेर सारी बधाइयां। और मैं यही कोशिश करूंगी, शिक्षक जो है वो बच्चों के अंदर सारी चीज़ें उनके अंदर होती हैं, उसको निकालने का प्रयास जो है वो शिक्षक करता है उनके मनोभावों को। तो मैं सभी शिक्षकों से यही कहना चाहूँगी कि बच्चों का ऐसा उच्च भविष्य बनाएं कि जिससे उनका केवल विषय का ज्ञान ही ना हो बल्कि उनके चरित्र का भी। टीचर, गुरु गोविंद हो कड़े काको लागो पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताया। टीचर्स का दर्जा भगवान से ऊंचा माना गया है और भगवान को दिखाने के लिए, भगवान को बताने वाले हमारे टीचर्स ही होते हैं। उनका दर्जा भगवान से ऊंचा इसलिए दिया गया है कि भगवान को दिखाने, दशा दिशा दोनों दिखाने के लिए टीचर्स ही हमारा आगे है। वो हमारे स्वरूप हैं, हमारी प्रतिभा हैं, बच्चों को अलंकृत एवं उनको ऊंचाइयों पे शिखर पर ले जाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं कि सारे टीचर्स आज के दिन जो टीचर्स का पर्व मनाया जा रहा है उनके। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इसी के उपलक्ष में हमारे यहाँ पूरे तमाम देश में हर देशवासी हर स्कूलों में ये टीचर्स डे मनाया जाता है। इसमें सभी जन जितने भी बच्चे हैं, अभिभावक हैं, टीचर हैं, हम सब उनको याद करते हैं और उसी खुशी में आज के दिन जो है टीचर्स को सम्मान भी दिया जाता है, गुरुजनों को सम्मान दिया जाता है और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। बच्चों ने बधाइयाँ भी दी है, बधाई के रूप में केक काटा है उनसे, उनको तोहफे में किताबें दी हैं, उनको तोहफे में पेन दी है। तो काफ़ी अच्छे से मनाया गया, हमारे स्कूल में भी काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया गया। देखिए, मेरा इतना ही कहना है, गुरु जो होता है जो सबके लिए है, गुरु का सम्मान सभी को करना चाहिए और माता पिता के बाद जो गुरु आपके लिए है, जैसे माँ और बाप आपको पैदा करते हैं, इस दुनिया में लाते हैं, तो गुरु आपको ज्ञान देता है, आपको आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो गुरु का सम्मान करें। जिसने सम्मान नहीं किया गुरु का अपनी ज़िंदगी में, उसने हमेशा कठिनाई का सामना किया है, परेशानियाँ उठाई हैं। अकेडमी है, ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पे स्थित है और आज बच्चों ने बहुत सारे प्रोग्राम किया। एक्चुअली जन्माष्टमी का और टीचर्स डे का प्रोग्राम हमने साथ में ही रखा, तो बच्चों ने डांस परफॉर्मेंसेस किए, टीचर्स के लिए भी गेम ऑर्गेनाइज किया गया था और जो भी रिफ्रेशमेंट वगैरह स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया गया टीचर्स को, और टीचर्स को अप्रिसिएशन के रूप में कुछ उपहार भी दिए गए जो भी उनके योग्य हमें लगा जो उनको ज़रूरत है जिस चीज़ों की। मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि टीचर्स हमारी सोसाइटी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जज बन जाए, लाइफ में जो भी बना है वो इस फेज से वो एक किसी न किसी संरक्षण में या किसी न किसी से सीख के बना है। तो ज़रूरी नहीं है जैसे व्यक्ति से आप स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या